मेरे साथ उत्तराखंड की एक ऐसी गर्ल है जिन्होंने उत्तराखंड को बहुत प्राउड फील कराया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चित्रांशी की। चित्रांशी, बहुत बहुत स्वागत है पहली बार। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि उत्तराखंड से जो बॉम्बे का सफर था, जो हरियाणवी टच आया उसके अंदर, वो कैसा रहा? वो बहुत ही मज़ेदार था, मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि आपको पता है हम यूपी में कैसी बात करते हैं, स्पेशली देहरादून में हम बेचारे आप कैसे हैं। तो मुझे सडनली बोला कि बेटा आपको हरियाणवी भी बोलनी है, सो इट वाज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, बट लकीली बिकॉज मैं हॉकी प्लेयर थी तो मैं ट्रैवल काफ़ी करती थी, और हरियाणा की लड़कियों के साथ, दिल्ली की लड़कियों के साथ मैंने काफ़ी खेला है, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि वो लोग कैसे बात करते हैं। प्लस ऑब्वियसली बिकॉज मैं यशराज के साथ काम कर रही थी, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रेनिंग करवाई हरियाणवी बोलने की, तो मैं हरियाणवी बोलते बोलते काफ़ी मैं कुछ सीख गई। तो पहले मैं हिंदी में बोलती थी, इंग्लिश में बोलती थी, फिर उसको ट्रांसलेट करती थी हिंदी में, फिर उसकी मैं कहीं कहीं पंजाबी आती थी, बिकॉज पंजाबी तो सभी को आती है ना, मतलब नॉर्थ से आओ मतलब कैसे नहीं हो जाएगा कि आपको पंजाबी नहीं आती है। तो उसको मैंने कैसे हरियाणवी में किया, दैट वॉज क्वाइट अ जर्नी एक्चुअली। चित्रांशी, ये जानना चाहेंगे कि जो आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप था वो अभी भी खत्म हो चुका है या स्टिल यू आर वर्किंग ऑन इट? मैं ये बोलने वाली था नहीं है, क्योंकि वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन, तो मैं अभी भी स्पोर्ट्स को उतना ही प्यार करती हूँ। हालांकि हॉकी नहीं खेल पाती हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बॉम्बे में खेलना, और आपका काम का इतना स्केड्यूल बिजी रहता है कि हॉकी खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की थी, मैं बॉम्बे में जब फिल्म ख़त्म होने के बाद जब मैं अपने कॉलेज ज्वाइन किया, तो मैंने कॉलेज की तरफ से अपना खेलने की कोशिश की थी, बट फिर भी वो हो नहीं पाया। बट अभी मैं काफ़ी फिटनेस में बहुत ज़्यादा मेरा रुझान है, मैं बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गए, या मतलब आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो मुझे सब आता है। आपका ड्रीम था ओलंपिक्स खेलने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आपका रुझान टीवी, तो क्या अभी भी अगर मौका मिला तो यू विल गो फॉर इट? ऑफकोर्स, मतलब अगर मुझे मौका मिले ऐसा कुछ करने का तो डेफिनेटली करना चाहूँगी, बट आई थिंक हमारे देश में भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, सो आई थिंक दे शुड गेट ऑब्वियसली चांस। हालांकि जब मैं प्रिपेयर करी थी तो हम मेरा था कि यार मैं भी कभी, तो इस बार जब हमारी लड़कियाँ गई थी तो मैं तो मतलब ऐसे कि हाय हाय लड़कियों कुछ कराओ, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी उन्होंने जीती है लास्ट जो आई हैं जीत के, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि चलो। So you miss all your gang of girls? Yes, I definitely miss. In fact, मैं अभी भी Facebook में कनेक्ट हुई हूँ जो अभी करंटली कैप्टन है, वंदना कटारिया, तो उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी ना, लाइक वंदना कटारिया मैंने कैंप किया है इनके साथ, यू नो हरिद्वार में, सो आई मैसेज डर, आई सेड कि आप वही वंदना कटारिया हैं जिसके साथ मैंने मतलब इतने कैंप्स किए हैं, तो शी वाज लाइक यस, आई वाज लाइक क्या बात है, नाउ शी इज़ अ कैप्टन, सो इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई एम लाइक यार यू नो आई प्लेड विद हर, एंड उनकी बहन भी हुआ करती थी, यू नो हम लोग साथ में कैंप में रहे हैं हरिद्वार में, हमने पूरा मतलब एक दो ढाई महीने साथ में यू नो हमने खेला है, एंड नाउ यू नो शी इज़ अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, सो इट वॉज वेरी वेरी गुड, सो प्राउड। पहाड़ों को मिस करती हैं कहीं? बहुत बहुत, मतलब मैं तो पैदा हुई ना वहाँ पे, मैं तो मतलब बॉम्बे में एक हफ्ते दो हफ्ते ज़्यादा रह जाऊँ मुझे लगता है काम, मतलब कहीं ले चलो, सो एंड आई एम एनी विच वेज अ वेरी, मतलब मुझे बीच से ज़्यादा मुझे जंगल और पहाड़ पसंद है। वो हम देखते हैं क्योंकि योगा आजकल आप रेलवे ट्रैक और जंगल में ही कर रहे हैं। ओह लगता है आपने बहुत रिसर्च कर लिया मुझ पे। यस एब्सोल्युटली, मुझे नेचर के पास होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आई फील वेरी वेरी कनेक्टेड टू द नेचर, आई फील कि दैट इज़ माय कॉलिंग, आई थिंक मुझे फ्यूचर में सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, मतलब नॉट छोड़ छाड़ के, कमा धमा के अच्छे से सेटल होंगी तो कहीं पहाड़ वहाड़ में, जहाँ पे अपना एक I also miss Uttarakhand क्योंकि I have been a hostler, I was doing my studies in Mussoorie Public School, so I also miss वो चीज़ें जो वादियाँ हैं वहाँ की। ये जानना चाहेंगे चित्रांशी, मूवीज की तरफ ज़्यादा फोकस कर दिया थिएटर, क्योंकि आपका हम शो देखने वाले आ रहे हैं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली दोनों तरफ मेरा फोकस बहुत बराबर है, मुझे दो ढाई साल हो गए हैं थिएटर करते हुए, एंड दिस इज़ माय फोर्थ प्ले नाउ, एंड थिएटर बहुत ही अलग है, यू नो फिल्म बहुत अलग चीज़ होती है, फिल्म में एक अलग प्रोसेस होता है, थिएटर का एक अलग ही प्रोसेस है, मतलब जो चीज़ आप कैमरे के सामने करते हो उसमें आपको टाइम मिलता है कि आप वो चीज़ दोबारा करो, या नहीं हुआ तो अच्छे से आप कर सकते हो, बट थिएटर में आप का एक पूरा प्रिपरेशन और मेहनत होती है आपके क्राफ्ट के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है थिएटर, एंड वन थिंग दैट आई फील कि जो भी मुझे कैरेक्टर दिया जाता है मैं कोशिश करती हूँ कि यू नो आई शुड लिव दैट कैरेक्टर, फील दैट कैरेक्टर ऑन स्टेज, सो दैट व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम यू नो प्रोजेक्टिंग टू द ऑडियंस, दैट शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट दैट विद द ऑडियंस, सो दैट ऑडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ आई फील यू नो विद दैट कैरेक्टर, एंड ऑनेस्टली बोलूँगी इफ इट्स पॉसिबल एवरी टाइम, इट्स नॉट एक्चुअली, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, बट
अगर वो हो जाता है आपसे, इट्स मैजिकल, इट्स रियली मैजिकल इफ़ यू कैन एक्चुअली बी दैट कैरेक्टर एंड लिव दैट कैरेक्टर एंड द ऑडियंस अंडरस्टैंड यू एंड सी यू ओनली एज दैट कैरेक्टर. वो एक मैजिक होता है, वो हमेशा नहीं होता है. एंड आई फील कि पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि यू नो परफेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, बट एन अटेम्प्ट इज़ रिक्वायर्ड टू डू दैट. देखिए, कोमल चौटाला का कैरेक्टर एक ऐसा था जिसको हम क्या कोई भी नहीं भूल पाएगा, एंड स्टिल यू आर लिविंग दैट कैरेक्टर. लोग बात भी करते हैं, आप कहते हैं कि कोमल चौटाला जा रही है, तो जितना उनको नहीं जानते उतना आपको कोमल चौटाला के नाम से जान देना. कितना चित्रांशी, कितनी फैशनेबल है, देख लो मुझे. We have seen you in Goa. Oh, I am very, I've always been actually very trendy, not with fashion, but with my own style. I've got my own style and I'm very, very moody when it comes to fashion. So it depends on, and I like, it's not that I like to dress up, but that is how I am, you know. And I've always been like that. You know, a lot of, after Chakde, a lot of people thought that, hey, itne chote baal, ऐसी काली सी लड़की, अब पहाड़ी तो मतलब एक्सपेक्ट करते ना, बहुत ही हल्के मिले रहे थे मतलब है तो. बट ऑल माय गर्ल्स, यू नो ऑल माय अदर चकदे गर्ल्स, दे नो कि ओ माय गॉड, चित्तू यू हैव नो आइडिया, शी इज नॉट लाइक दिस, शी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज. बट यू नो, सो माय सेंस ऑफ स्टाइल इज मोर ऑफ लाइक वेरी टाइमलेस, वेरी अर्ली एंड very quirky also sometimes. When I saw your pictures, you flaunted in Goa, I didn't slap because halke mein to koi nahi lene wala. Well, dekho ab Goa ja rahe ho, matlab pool ke paas ho, to matlab aise thodi na hai ki yoga shoga kar rahe hai, time itna laga rahe hai apne upar time. I am a lot into fitness, I'm a lot into yoga. It's kind of the thing that keeps me going, because in living in Bombay, it gives you a lot of stress. You know, you are going through so much in your, you know, physically, mentally. So there's one thing that you kind of need to balance. So I think I feel that, you know, your mental and your physical balance, you have to be in somewhere in the middle so you can manage both. डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है उससे कितना फर्क पड़ा है, कितना अब शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपना पिज्जा नहीं खा पा रहे हैं. देखो, सबसे मेन बात तो ये है कि पैसे होते हुए बिना पैसे नहीं है. पहली बात ये, मतलब 2000 के छुट्टे नहीं मिल रहे. माय ओनली थिंग इज कि वट एवर हैपन, इट वाज गुड, इट हैपेंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द यू नो ऑफ अ नेशन. द ओनली थिंग इज आई फील दैट इफ इट कुड हैव बीन प्लान्ड अ लिटिल better, little better, it would have been very, very good. Now people are, you know, it's so uncomfortable for people who are, you know, everybody has work. Right. Now suddenly you don't have money, you can't go, you can't travel, it's very difficult. So the only thing they could have done, I feel, that ki bhai 2000 ka note to aapne nikal diya, koi baat nahi. ठीक है, अब आपने 500,000 के बंद कर दिए, जो एक्चुअली में छोटे नोट है. बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन यूरोप, वी आर नॉट लिविंग इन यू नो यूएस, वी आर लिविंग इन आर कंट्री जहाँ पे छुट्टा काम, छोटा पैसा वो ज़्यादा चलता है. यू नो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, दैट इज़ लाइक आपका रोज का आना जाना. अगर आपके पास 2000 रुपये, कहाँ से छुट्टा लाएगा? सो वॉट दे कुड हैव डन वर्स, 500 और 1000 के नोट निकालते या उसको बैंक में रखते, सो दैट यू नो द नॉर्मल जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. वही चीज़ मतलब आपने किया मोनेटाइजिंग, फैंटेस्टिक, बट थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते तो भाई मतलब अच्छा हो जाता है. 500 और 1000 रुपये, मतलब 2000 के छुट, मतलब मेरे एक्चुअली मेरे प्ले में डायलॉग भी है, यू नो कि अरे तो 2000 के छुट्टे मेरे पास थोड़ी ना भाई. सो आई हैव दिस डायलॉग्स आल्सो. नो, मैं आपको बता दूँ, जो चित्राशी उनके अंदर एक हिडन टैलेंट ये है, शी डांसेस वेल, और वो दूसरों को डांस भी बहुत अच्छा कराती है. जेती भाटिया को आप क्या करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पे? अरे भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब कैन यू इमेजिन, मैं जैती मैम को मतलब नचवा रही हूँ. कैन यू इमेजिन, शी इज ट्रेंड उड़ीसी डांसर. सो उनके लिए डांस ना कर पाना इज इम्पॉसिबल. सो आधी लटके झटके तो मैं उन्हीं से सीख रही हूँ एक्चुअली. स्टेज में उनको सिखा रही हूँ, चलो जो सिखाया था बैक स्टेज अब सीखो मुझसे. सॉन्ग वाज वेरी इंटरेस्टिंग. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो यस, तो मैं मतलब इसमें एक्चुअली एक्सेप्ट अंकिता, मैं सबको नचवा रही हूँ इसमें. चितांशी, जाते जाते ऑन अ गुड नोट, अगर कोई उत्तराखंड का कोई गाना आपको याद है, अपना कोई ऐसा सॉन्ग जो रिलेट कर पाए आपके उत्तराखंड वासियों को, सो लेट्स डू या पहाड़ी सॉन्ग, लेट्स फिनिश ऑन अ गुड नोट, बिकॉज यू सिंग वेल आई गेस. आई हैव सीन यू. मैं मतलब ठीक, मतलब बाथरूम सिंगर हूँ. हमारे जो गाने वाले हैं वो तो हमारे पम्मी आंटी जी हैं, सुमेर, ही सिंग्स वेरी वेल, ही इज ट्रेंड इन यू नो, आई मीन आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई प्ले ऑल्सो, कि मैंने अपनी तो बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर दी, पर मैं आपको बता दूँ कि देखो कल हमारा शो हो रहा है दिल्ली में 7:30 PM इन गुड़गांव एपी सेंटर. ये जो हमारा प्ले है अमावस से अमलतास, मैं हमेशा इसको अमल
अमतलाज बोलती हूँ, गलत बोलती हूँ, बट अभी मैंने याद करके बोल दिया अमावस से अमलताज, थैंक गॉड। बट इट्स अ बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिक के ऊपर। यस यस यस, इट्स सेंसिटिव टॉपिक बट डार्क ह्यूमर है, बड़ा मजा आएगा। मैं जब आती हूँ ना स्टेज पे तो मतलब इतना इतना फनी करने वाली हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है। बट इट्स सीरियस टॉपिक बट सेड इन अ वेरी लाइट मैनर, सो इट्स नॉट दैट वो आप बैठोगे तो लगेगा हे क्या हो गया, ऐसा नहीं लगेगा आपको। यू विल इन्जॉय द प्ले, में नाच है, गाना है, फुल ऑन मस्ती है, मतलब पागल है, तुम स्टेज में भसक रही हूँ मैं इस वाले, आई एम टेलिंग यू, सो यू कम एंड वॉच अस। आई ऑलवेज इन्जॉय योर सिंगिंग, आई ऑलवेज इन्जॉय योर डांसिंग, योर एक्टिंग, योर स्माइल, एवरीथिंग, सो पीपल विल लव दिस एक्ट ऑल्सो। लेकिन जाते जाते ऑन अ गुड नोट, लेट्स फिनिश इट ऑन उत्तराखंड वासी। ओके, तो ये मैं अपने उत्तराखंड वासियों के लिए गाना गाती हूँ, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, मैं ये बहुत जगह गा चुकी हूँ तो मैं यहाँ गा देती हूँ, अब मुझे याद नहीं है बट फिर भी गा देती हूँ। ओके, या ठंडो रे ठंडो मेरी पाड़े की हवा ठंड पानी ठंडो हो ठंडो रे ठंडो मेरी पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो ये हमारे साथ चितांशी जिन्होंने गाया बहुत अच्छा और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी है, अमावस से अमलतस जो इनका एक्ट है, इट गोना बी अ ह्यूज लाइकिंग विद फॉर एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि जो हमारी चितांशी है उत्तराखंड वासी को और भी आगे जाके प्राउड फील कराएंगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।